चांदी की अंगूठी पहनने के चमत्कारी फायदा। ज्योतिष शास्त्र काफी वृहत है, इसमें मनुष्य की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अलग अलग धातुओं का अपना विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, इस वजह से चांदी का इस्तेमाल केवल आभूषण के तौर पर नहीं बल्कि कई परेशानियों के हल के तौर पर किया जाता है। ग्रह दोषों के मुक्ति के साथ वैवाहिक संबंधों में सुधार और कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं में राहत मिलती है। तो चलिए जानते हैं चांदी की अंगूठी धारण करने के क्या फायदे हैं और इसे कब और कैसे पहनना चाहिए। नंबर एक, चंद्रमा की स्थिति होगी बेहतर। चांदी की अंगूठी का संबंध शुक्र और चंद्रमा ग्रह से जुड़ा हुआ है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या अशुभ ग्रहों के साथ हो तो उसे अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए। नंबर दो, मानसिक सुकून। चंद्रमा का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। चंद्रमा की स्थिति ठीक न रहने से दिमाग से जुड़े कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोग मस्तिष्क को तेज रखने के मकसद से चांदी की अंगूठी पहनते हैं, यह मानसिक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। नंबर तीन, शुक्र ग्रह होगा मजबूत। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो घर परिवार में कलह बनी रहती है, हर बात में गुस्सा आता है और झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। इन परेशानियों से बचने के लिए चांदी की अंगूठी धारण की जा सकती है। आप चाहें तो चांदी की चेन भी पहन सकते हैं। नंबर चार, बीमारियों से राहत। यदि कोई जातक जोड़ों के दर्द, खांसी, जुकाम, आर्थराइटिस की समस्या से परेशान है तो उसे चांदी की अंगूठी से काफी फायदा मिल सकता है। व्यक्ति की सेहत पर चांदी काफी सकारात्मक असर डालती है। कब और कैसे धारण करें चांदी की अंगूठी? यदि आपके जीवन में चंद्रमा की स्थिति अच्छी न हो तो किसी से चांदी तोहफे के तौर पर लेने से बचें। हालांकि मां से उपहार में मिली चांदी आपकी किस्मत बदल सकती है। यदि आप चांदी की अंगूठी पहनना चाहते हैं तो इसे आप रविवार अथवा गुरुवार के दिन सुनार की दुकान से खरीद कर ले आएं। अब रात भर एक कटोरी में दूध में इस अंगूठी को डालकर रखें। अगले दिन सोमवार अथवा शुक्रवार को आप अंगूठी को पानी से साफ कर लें। अब इसे मंदिर में रखें। आप सभी देवी और देवताओं का स्मरण करके अक्षत, चंदन, फूल व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। धूप, अगरबत्ती व दीप जलाएं। पूजा के पश्चात ही चांदी की अंगूठी को दाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह रोजाना आप लोगों वीडियो मिल सके। धन्यवाद।